कटनी शहर में मां जालपा मंदिर लगभग 253 वर्ष पुराना, जो शहर की आस्था का केंद्र नवरात्रि के दिन व 365 दिन इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की महिमा को लालजी पंडा द्वारा बताया गया कि बारडोली की धरा पर विराजी मां शहर को न सिर्फ हर बला से बचाती है, शहर का यह प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ पर हर साल के 365 दिन मेला जैसा माहौल रहता है। नवरात्र पर माँ की निराली छटा देखने को बनती है। कटनी शहर में जालपा मंदिर बहुत ही पुराना है। इस मंदिर का रहस्य भी अनूठा है। पंडित जी की 5 पीढ़ी इस मंदिर को सेवा भाव से देखते हुए आ रही। उन्होंने बताया, जहां पर माता रानी विराजी हैं, यहां घनघोर जंगल हुआ करता था। यहां पर बांस के जंगल की बहुतायत थी। पंडित जी के पूर्वजों को माता रानी ने स्वप्न दिया, जिसके बाद माता बांस के जंगल से प्रकट हुई और आज उनकी महिमा जिला नहीं पूरे प्रदेश में बताया जा रहा है। सन 1766 में रीवा निवासी बिहारी लाल को माता रानी ने कटनी बुला लिया था। माता के आदेश का पालन करते हुए बिहारी लाल जी माता की सेवा करने कटनी पहुंचे और बांस के जंगल में जाकर नित्य माता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे माता रानी की कृपा से शहर का कायाकल्प होने लगा और माता की मरिया के बाद मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। नवरात्रि के दिन माता जी का 9 देवी का स्वरूप के हिसाब से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। वह विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट। जय माता। लालजी पंडा
तो ये लगभग कितने वर्षों से है मंदिर? लगभग ये 250 वर्ष पूर्व जालपा देवी का मंदिर है जी। और इसका संचालन आप ही कर रहे हैं, पहले आप कौन करता था इसका? हमारी ये पांचवी पीढ़ी पर रही, हमारे पूर्व जनों द्वारा ही इस मंदिर का नव निर्माण जो भी है। और इसके बाद अब जब से विस्तार होने लगा है तो आम जनता, आम पब्लिक के द्वारा जिनकी मनोकामना पूरी हो गई वो अपना सहयोग करता रहता है। और कोविड को देखते हुए शासन के आपको क्या निर्देश मिले? शासन को, शासन की गाइडलाइन है मंदिर में धीरे धीरे लोग बाग आए, स्टैंडिंग से आए, मास्क लगा के आए, जल नहीं चढ़ाना है, भीड़ नहीं लगाना है। मात्र 11 कल से की हमको परमिशन मिली है 5 बैंड वालों की जी, इनके साथ हमको विसर्जन करना है। बाने नहीं छिले गए, भंडारे नहीं होंगे जी।